हेलो एवरीवन। लास्ट दो क्लासेस में हम भारत में गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल की चर्चा कर चुके थे। हमने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन काम कर रही थी, ब्रिटिश शासन से लाइसेंस लेकर के भारत में काम करना शुरू किए थे, और लगभग 150 सालों के अंतराल में इन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान ब्रिटिश सरकार को या उनके निवेशकों को जब उनके शेयर के अनुसार जब उनको लाभांश नहीं मिल पा रहा था, तब इनको कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने के लिए, इन्होंने भारत में कुछ वायसराय या कुछ ऐसे प्रतिनिधियों का नियुक्ति शुरू किया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दैनिक क्रियाकलापों पर, उनके प्रशासनिक व्यवस्था पर लगाम लगा सके। और इसी क्रम में भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल लगाए गए, जिसमें सबसे पहले थे बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन दो और गवर्नर जनरल को लाया गया, जिसमें कि बिहार सॉरी आपका दक्षिण में मद्रास और पश्चिम की तरफ आपका बम्बई वाला एरिया था, बम्बई प्रोविंस वाला। ठीक है, तो बम्बई हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया। इन तीनों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और इन तीनों प्रेसिडेंसी को किसके अधीन लाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। उसके बाद में जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में बढ़ जाता है, तो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उस पोस्ट को थोड़ा सा और प्रमोट करके एक नया पोस्ट सृजित किया जाता है। इसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल, मतलब भारत के जितने भी प्रशासनिक दायित्व हैं या फिर दीवानी अधिकार हैं, वो सभी सैनिक अधिकार जो हैं वो अब किसके पास में आ जाएंगे? तो भारत के गवर्नर जनरल के पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी भारत के गवर्नर जनरल के क्रम में हमने सबसे देखा था कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बाद में हमने सेकंड गवर्नर जनरल की चर्चा किया था, चार्ल्स मेटकॉफ, और उसके बाद में हम शुरू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। मैंने आपसे बताया था कि भारत में ऐसे गिने चुने वायसराय या गवर्नर जनरल हुए हैं जिनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपने यहाँ से कोई स्टेटमेंट पढ़ा है, वो स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ बिना घुमाए सीधा ही एक क्वेश्चन के फॉर्म में वहाँ पे दिखेगा। लॉर्ड डलहौजी भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पीएससी हो गए, व्यापम हो गए, ठीक है, स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो गए या फिर एसएससी वगैरह हो गया, उन सभी में कुछ ऐसे गिने चुने नाम हैं, कुछ ऐसे गिने चुने वायसराय हैं या गवर्नर जनरल हैं जहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे करके उसको याद रखना है। ठीक है, तो हमने शुरुआत किया था भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आए लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद में चार्ल्स मेटकॉफ आए, फिर ऑकलैंड आए, एलिन बरो आए, हार्डिंग आए, हार्डिंग के बाद में लॉर्ड डलहौजी का नंबर आया। लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है कि ये एक बहुत ही साम्राज्यवादी टाइप के गवर्नर थे। इसका मतलब क्या है कि ये क्षेत्र विस्तार की नीति पे बहुत विश्वास रखते थे, और भारत का जो क्षेत्र विस्तार है, अंग्रेजी शासन का विस्तार जो इन्होंने भारत में किया है, वो बहुत ही अद्वितीय था। मतलब इनके जैसा गवर्नर जनरल भारत में शायद बहुत रेयरली कोई और होगा। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी, इनकी हड़प नीति बहुत फेमस है। हमने बचपन में सोशल साइंस की किताबों में इनकी हड़प नीति के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, कैसे दत्तक पुत्र को ये मान्यता नहीं देते थे, और इसी क्रम में हमने ये भी देखा था रानी लक्ष्मीबाई की जो स्टोरी है, कैसे वो अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की वजह से उन्हें राजा बनाने का मौका नहीं मिला, और बाद में वो अपने पुत्र की रक्षा और अपने राज्य की रक्षा के लिए गर्व से अपने युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देती हैं। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। इसकी खास विशेषता क्या है? ये एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। अपना
क्षेत्र विस्तार करने के लिए इसने बहुत सारे वैध अवैध तरीके अपनाए थे। ठीक इसी साम्राज्यवादी विस्तार की इसकी नीतियों में कौन कौन सी नीतियाँ थी, तो एक तो था युद्ध की नीति, युद्ध और संधि करना, युद्ध करना या और संधि करना, और एक था डलहौजी की हड़प नीति, बड़ी फेमस है हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, व्यवगत का सिद्धांत, इसको भी हम आगे देखेंगे। डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख युद्ध किए, सबसे पहले युद्ध की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हड़प नीति की चर्चा करेंगे। इसने सबसे पहले हम देखें तो इसके समय में, इसके शासनकाल में या इसके नियंत्रण में कौन से युद्ध हुए हैं, तो इसमें एक युद्ध है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये युद्ध 1848 के आसपास होना शुरू हुआ था और लगभग एक साल में इन्होंने सिखों को दमन कर दिया था, सिखों का दमन करके और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, पंजाब का विलय कर लिया था। अलग अलग गवर्नर आ रहे हैं और धीरे धीरे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कोई फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध लड़ा, कोई फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा, उसके बाद कोई और आए तो एंग्लो सेकेंड वॉर किए, कोई और आए तो थर्ड वॉर किए, इस तरीके से हर एक वॉर जो है वो किसी न किसी आपके गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायस राय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनके काल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद में पूरी तरीके से पंजाब का विलय कर लिया गया था। इसके पहले फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध में हमने देखा था कि सिखों का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटिश शासन ने अपने अधीन कर लिया था, और इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने अमृतसर की संधि के द्वारा एक बॉर्डर डिफाइन किया था, लेकिन अंग्रेजों ने खुद उस बॉर्डर को वैलिड नहीं, बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दिया और धीरे धीरे सिखों के साथ में युद्ध करना शुरू कर दिए। तो आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 पंजाब का विलय कर लिया गया। उसके बाद में इन्हीं के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा यानी म्यांमार वाला क्षेत्र, आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से लेकर के 53 तक। ठीक, और इस युद्ध में इन्होंने बर्मा का या म्यांमार का कुछ हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध में जो म्यांमार वाला क्षेत्र है पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इसी के ही समय में इन्होंने भूटान के साथ भी युद्ध किया, इसको इतिहास में भारत भूटान युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूटान वाला जो एरिया था इसको भी इसने कब्जा करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए एक युद्ध किया था, इसको कहा जाता है भारत भूटान युद्ध। ठीक, इसके बाद में डलहौजी की हड़प नीति के देख लेते हैं, डलहौजी की हड़प नीति में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, ये तो हमने देख लिया इसकी युद्ध नीति, इसके बाद में बात करते हैं इसकी हड़प नीति। हड़प नीति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं नए पेज से स्टार्ट कर लेता हूं। डलहौजी की हड़प नीति, इसी को ही व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अब ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स या डेटा हम लिखने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि हड़प नीति के अंदर क्या था, तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया कि इन्होंने अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया था कि कोई भी शासक अपने
ब्लड रिलेशन से जो उत्पन्न मतलब जो इनके सगे पुत्र या पुत्री होंगे, पुत्री भी नहीं केवल जो पुत्र होंगे उनको ही ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। ये अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले किसी दूसरे मेंबर को या फिर किसी गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिक्ट रूल इन्होंने डिफाइन कर दिया था, ठीक है। और इस नियम के अधीन बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनके अपने स्वयं के पुत्र नहीं थे, और ऐसे राज्यों को इन अंग्रेजों ने सीधे अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प नीति का मतलब है कि एक गलत नीति बना करके, गलत नियम बना करके उनके साम्राज्य को हड़प लेना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण। पहली चीज़, हड़प नीति कौन लेकर के आया था? इसका नाम आपको पता है, डलहौजी। डलहौजी जो है वो, डलहौजी की हड़प नीति फेमस है। नेक्स्ट, ये जो नीति है ये पॉलिसी कब लाया गया था? 1848 में, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति कब लाई गई थी? तो अलग अलग देसी रियासतों के विलय के लिए डलहौजी ने हड़प नीति लाया था 1848 में, ठीक है। इसके अलावा डलहौजी की हड़प नीति किन पर लागू होती थी और किन पर नहीं लागू होती थी? तो ध्यान रखिएगा, वो सभी रियासत जो मुगल और मराठों के अधीन नहीं रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा? वो सभी रियासत जो मुगल और मराठों के अधीन नहीं रहा है इतिहास में कभी भी, वो सभी रियासत जो है वो उन सभी रियासतों को छोड़ करके भारत की जितनी भारत का जितना शेष एरिया है वो सभी इस नियम के अंतर्गत आता था, ठीक है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। मैंने कहा कि मुगल और मराठों के अधीन क्षेत्रों को छोड़कर शेष पूरे भारत में लागू, उस समय भारत का जो भी एरिया होता था, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक जो भी एरिया था, उन पूरे क्षेत्रों में लागू था कौन सा? हड़प नीति, ठीक है। इसमें कौन कौन से एरिया को छोड़ा गया था? तो वो सभी एरिया जो मुगल और मराठों के अधीन थे उनको छोड़ करके शेष पूरे भारत में हड़प नीति को इन्होंने लागू कर दिया था, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ है कि हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स के अधीन आने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1848 में जैसे ही ये नियम लागू किया गया उसी समय सतारा इसके अधीन आ गया, ठीक है। सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है। सतारा जो है वो इस नियम के अधीन आ गया और इसका विलय कर लिया गया ब्रिटिश शासन में 1848 में। 1848 में सतारा का विलय कर लिया गया हड़प नीति के अंतर्गत। इसके अलावा बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि एग्जाम में हो सकता है आपको कूट के रूप में दे दे कि इनमें से कौन सा हड़प नीति के अंतर्गत शामिल किया गया था या नहीं किया गया था। तो लोकेशंस के नाम याद रखिएगा, सतारा, इसके बाद में संबलपुर, संबलपुर हो गया, जैतपुर हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, झांसी तो पता ही है आपने पढ़ा है इसको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी हो गया। फिर बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ कुछ हिस्सा था, बरार उसी में से एक था, बरार हो गया। फिर नागपुर हो गया, नागपुर, इसके अलावा जब नागपुर का विलय हुआ तो इसी विलय के साथ में छत्तीसगढ़ का भी विलय हो गया, क्योंकि 1854 के आसपास ना छत्तीसगढ़ जो है वो मराठों के अधीन था और मराठों का जो राजधानी था वो नागपुर से वहाँ पे ऑपरेट करते थे, तो नागपुर के अधीन क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी था तो छत्तीसगढ़ का भी इसी में विलय हो गया था। इसके अलावा अवध, अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे एरियाज थे, मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं, इन सभी एरिया को हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया था, ठीक।
अच्छा यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या थी? एक तो मैंने बताया कि आपकी संतान मतलब जिनके सगे पुत्र हैं उनको ही आप अपना साम्राज्य ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा चीज़, ब्रिटिशर्स ने एक और नियम लगाया था हड़प नीति के अंतर्गत। एक तो था इनके सगे पुत्र, ठीक है, एक तो था इनके सगे पुत्र से संबंधित, और दूसरा था कुशासन का आरोप। हड़प नीति के अंदर इन्होंने दो तरीके से साम्राज्य को हड़पा था। पहला एक तो था, मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में लिख देता हूँ, सगे पुत्र, और कुशासन। कोई राज्य ऐसा हो सकता था जिनके अपने सगे पुत्र हैं उत्तराधिकारी बनने के लिए या नेक्स्ट राजा बनने के लिए, लेकिन हो सकता है अगर अंग्रेज चाहें तो ये कह देंगे कि आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, और कुशासन का आरोप लगाकर, मतलब शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है ये आरोप लगाकर भी ये उनके राज्य को हड़प सकते थे। तो हड़प नीति के अंतर्गत दोनों चीज़ें शामिल थीं। अगर उनके सगे पुत्र नहीं हैं तो भी उनका साम्राज्य ब्रिटिश शासन में विलीन हो जाएगा, और अगर वहाँ पे शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, अगर अंग्रेज ऐसा क्लेम कर देते हैं, तो भी उस राज्य को ब्रिटिश शासन में विलीन कर लिया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कानून लागू थे, और ये दोनों बहुत ही कह सकते हैं थे कि स्पष्ट नहीं थे, इनको ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया था। इनमें बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं मिला था कि कुशासन का मतलब क्या होगा, किस स्थिति को कुशासन कहा जाएगा, ठीक है, इसको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया था। और यहाँ पे अंग्रेज अपनी मनमर्जी चलाते थे कि किसी भी क्षेत्र को कुशासन का आरोप लगा करके अपने राज्य में मिला लिया जाता था, ठीक है। और हड़प नीति के अंदर कौन कौन से एरिया को हड़पा गया था वो मैंने आपको बता दिया, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, बरार, नागपुर, अवध, ये कुछ क्षेत्र हैं। इनके अलावा और भी क्षेत्र थे, एग्जाम के लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब एग्जाम में एक और चीज़ पूछा गया है कि जैसे कि पूछा गया था, उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन था पंजाब, तीन ऑप्शन इनमें से थे, ठीक है, और एक ऑप्शन पंजाब भी था, पंजाब भी ऑप्शन था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंजाब को सीधे आमने सामने की लड़ाई के द्वारा ब्रिटिशर्स ने आंग्ल पंजाब युद्ध के द्वारा हड़पा था, ठीक है, वहाँ पे हड़प नीति लागू नहीं किया गया। इस हड़प नीति के बाद में बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं जिनको कि हम डलहौजी के बारे में देखना है, ठीक है। डलहौजी के बारे में अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं डलहौजी से संबंधित, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, डलहौजी के महत्वपूर्ण कार्य उनको देख लेते हैं। इनकी इसकी हड़प नीति क्या थी आपको पता चल गया, अब इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनको देखते चलते हैं। सबसे पहली चीज़, इसने 1851 में भारत में टेलीग्राम सेवा प्रारंभ किया, टेलीग्राम, टेलीग्राम सेवा, टेलीग्राम का मतलब है कि आप कोई लेटर या चिट्ठी हो गया वो किसी दूसरे देश में या किसी पड़ोसी राज्य में कोई भी किसी भी अपने सगे संबंधी को भेज सकते हैं, ये था टेलीग्राम सर्विस, ठीक है। टेलीग्राम सर्विस जो है वो कलकत्ता से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, 1852 में इसने भारत में सबसे पहले डाक टिकट जारी किए, ठीक है, भारत में पहला डाक टिकट यहीं से, मतलब डलहौजी के द्वारा ही जारी किया गया था, और सबसे पहले इसको कराची से जारी किया गया था, कराची से, ठीक है। टेलीग्राम सेवा सबसे पहले कलकत्ता से शुरू किया गया, डाक टिकट सबसे पहले कराची से जारी किया गया। उसके बाद में 1853 में, 1853 में इसने भारत में सबसे पहले रेलवे की स्थापना किया, ठीक है। और सबसे पहला रेल आपको पता है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया, ये तो आप सभी को पता है, मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहला रेल चला था, ठीक। इसके अलावा 1853 में ही इसने एक रिपोर्ट पेश करवाने के लिए, जो कि एजुकेशन से संबंधित था, इसी से संबंधित
एक आयोग का गठन किया है, इसके इसको हम कहते हैं चार्ल्स वुड आयोग, चार्ल्स वुड आयोग, ठीक। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में इसने एक आयोग का गठन किया था जिसको कहेंगे हम शिक्षा आयोग, ठीक है। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में इसने एक आयोग का गठन किया जो कि शिक्षा से संबंधित था, ठीक, इसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति के वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं वुड डिस्पैच, ठीक। चार्ल्स वुड ने ही सब नियम कानून बनाए थे शिक्षा संबंधित, इसीलिए इसको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। और क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित कानून था इसीलिए इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है वैसे अधिकार पत्र, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का मैग्ना कार्टा का कहने का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं सभी को, ठीक है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा था चार्ल्स वुड के द्वारा, चार्ल्स वुड डिस्पैच नाम से एक कानून या एक लेटर, एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है। और ये जो चार्ल्स वुड और इनसे इसमें जो सदस्य थे, इन्होंने इनके सम्मिलित समूह को शिक्षा आयोग भी कहा जाता था, और इन्होंने जो बिल प्रस्तुत किया था इसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी व्यवस्था के अंतर्गत चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई, इसी में ही इन्होंने एक कंडीशन या एक कह सकते हैं कि एक बेनिफिट दिया था कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भारतीय भाषाओं में दी जा सकती है, भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में मराठी भाषा चल सकती है, पंजाब में पंजाबी भाषा में शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, हिंदी भाषी बेल्ट में हिंदी में शिक्षा दी जा सकती है। तो कोई भी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में वहाँ पे स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी, ये व्यवस्था किया था आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं के समय में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। आगे चल करके यही इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो IIT रुड़की के नाम से फेमस हो जाता है, IIT रुड़की, ठीक है। शुरुआत में इसको रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1853 में ये सारे काम किए गए। नेक्स्ट 1854 में भी कुछ काम है बहुत प्रसिद्ध हैं। 1854 में इसने जो पोस्टल वर्क था, जो पोस्ट ऑफिस संबंधित काम था, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित करवाया, इसको कहते हैं पोस्टल अधिनियम, पोस्टल अधिनियम पारित, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्या क्या नियम कानून होंगे, वो सारे नियम कानून का एक लिखित दस्तावेज जिस बिल में पास किया गया उसी को हम कह रहे हैं पोस्टल अधिनियम, ठीक। इसके अलावा मैंने बताया था कि इनके इससे पहले, डलहौजी से पहले आने वाले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, इन्होंने नेपाल वाले क्षेत्र पे भी अधिकार कर लिया था, और उसके बाद में एक गोरखा बटालियन की स्थापना की गई थी। इन्होंने गोरखा रेजिमेंट नाम से एक पूरा बटालियन स्थापित किया, गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट स्थापित, इन्होंने गोरखा रेजिमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्थापित करवाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सभी में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में PWD के नाम से जानते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका भी गठन किया था 1854 में। इसके अलावा 1855 में इन्होंने भारत में एक जूट मिल की स्थापना करवाया, ये भारत का पहला जूट मिल था, ठीक। जूट मिल ये कहाँ स्थापित किया गया था, स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो रिष्ट्रा है, और रिष्ट्रा कहाँ पे है, ये बंगाल वाले क्षेत्र में है, बंगाल के रिष्ट्रा एरिया में
भारत का फर्स्ट जूट मिल स्थापित करवाया गया। इसके बाद में 1856 इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू करवाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इस अधिनियम से संबंधित एक प्रमुख भारतीय व्यक्ति का नाम आपको पता है, ईश्वर चंद विद्यासागर। विद्यासागर ठीक है, इनके साथ मिल करके इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। ठीक, तो ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की कुछ प्रमुख कंट्रीब्यूशन है भारत में। इसके अलावा भी कुछ बिंदु हैं जिनको आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स के तौर पे नोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि भारत के वो एरियाज, वो रियासतें जहाँ पे किसी राजा का शासन होता था, जिसको कि ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले चुके थे, उनके राजा को ये क्या करते थे, पेंशन दे करके किसी दूसरे लोकेशन पे भेज दिया करते थे। ठीक है, जैसे बंगाल वाले को नेपाल भेज दिया, महाराष्ट्र वाले को कानपुर भेज दिया, इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को ये पेंशन दे करके कहीं कहीं भेज दिया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था, अलग भाई इनको वहीं रह करके भी पेंशन दे देते उनको, वो जिस नेटिव क्षेत्र के हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, जैसे नाना साहेब को इन्होंने पेंशन दे करके कानपुर भेज दिया था, तो उनको महाराष्ट्र में ही क्यों नहीं रखा गया। उसका रीज़न ये था कि वो जब अपने लोकल पॉपुलेशन के बीच में रहेंगे तो लोग उनको अपना लीडर अभी भी एक्सेप्ट करते रहेंगे। ठीक है, और एक लीडर के रूप में लोग उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे, और बाद में चल करके जो राजा था जिसको कि पद से हटाया गया है, वो वापस से एक सेना खड़ी करके अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता था, युद्ध कर सकता था। इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए उस राजा को क्या किया जाता था, उनके जो होम स्टेट है, जिस भी प्रांत से संबंधित है, उस प्रांत से दूर किसी एरिया में उनको भेज दिया जाता था। ठीक है, ताकि वहाँ की लोकल जनता से उनका कांटेक्ट या संपर्क न हो सके, और उनको जो पेंशन दिया जाता था वो अंग्रेज अपनी जेब से दिया करते थे। ठीक है, अब वो अपनी जेब से तो नुकसान सह के तो नहीं देंगे, जिस क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार किया है उस क्षेत्र से मिलने वाले रेवेन्यू को ही वो क्या करते थे, पेंशन के रूप में उस राजा को दे दिया करते थे। यहीं पे डलहौजी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसने जितने भी लोगों को पेंशन दिया जाता था, ठीक है, वो सारे पेंशन समाप्त कर दिए। ठीक, पेंशन जिस भी राजा को या जिस भी प्रमुख पदाधिकारी को पेंशन दिया जाता था, जिनसे कोई राज्य छीना गया है, उन सभी का पेंशन इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, पेंशन का मतलब ये वो वाला पेंशन नहीं है कि जो ब्रिटिश सरकारी अधिकारी, ब्रिटिश कर्मचारी हैं उनका पेंशन, उनको उनके पेंशन के संबंध में चर्चा नहीं की जा रही है। ये यहाँ पे जो पेंशन का मतलब है, ये ऐसे राजाओं का पेंशन था जिनका साम्राज्य छीन करके और उनको पेंशन दे करके कहीं किसी दूसरी जगह पे भेजा गया है, उन सभी का पेंशन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, कपड़ा मिल के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, जूट मिल के बारे में चर्चा किया मैंने। यहीं पे 1854 के टाइम पे ही, यहाँ पे एक और पॉइंट हम नोट कर सकते थे, भारत में सबसे पहले इन्होंने कपड़ा मिल की स्थापना किया। भारत में फर्स्ट कपड़ा मिल, कपड़ा मिल। भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना भी 1854 के ही समय में हुआ था। ठीक है, 1855 में पहला जूट मिल, 1854 में सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पेंशन बंद किया गया था, उसी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे ख्याल से आप याद कर पा रहे हैं, नाना साहेब। इनको कहाँ भेज दिया गया था, इनको भेज दिया गया था कानपुर। ठीक है, और कानपुर भेजा गया था, इनकी भी पेंशन बंद कर दी गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगले गवर्नर हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल है 1856 से लेकर के 1862। इस
टाइमलाइन के बीच में एक डेट आएगा 1857, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति किसके समय में हुई है? लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। चलिए अब इनको हम एक एक करके देखते हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहली चीज़ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये तो लॉर्ड डलहौजी के समय में लाना शुरू मतलब उनके प्रयास शुरू हो गए थे, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में शुरू हो गए थे इनसे संबंधित कानून का निर्माण, लेकिन अंतिम रूप से लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, इसको लागू किया गया था 1856। डलहौजी के समय में कानून बनाया गया, कैनिंग के समय में इस कानून को लागू करने का शुरुआत कर दिया गया, ठीक। इसके बाद में 1857 आ जाते हैं सीधे। 1857 में आपको पता है मंगल पांडे इन्होंने ही क्या शुरू किया था, इन्होंने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे कहाँ से? बैरकपुर से क्रांति की शुरुआत। अब 1857 की क्रांति को पढ़ने के लिए हमें एक घंटे का पूरा सेपरेट लेक्चर चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को 1857 की जो क्रांति है उसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि 1857 की जो क्रांति हुई है किस गवर्नर के समय में हुई है, तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि लॉर्ड कैनिंग से संबंधित हैं, जैसे कि जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसके बाद में क्या होता है। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में जो ब्रिटेन के किंग या क्वीन थे, वैसे उस समय वहाँ पे क्वीन थी महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया ने अपने संसद में जो भी इनके मंत्री थे उनसे सलाह मशवरा करके और ये समझा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब शायद प्रशासन को बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रही है, और 1857 का विद्रोह हालांकि उस समय तो दबा दिया गया था लेकिन वैसा विद्रोह दोबारा होने की संभावना न रहे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण एक प्राइवेट कंपनी के रूप में था उसको इन्होंने अधिगृहित कर लिया, और ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो अब स्वतंत्र कंपनी ना होकर के ब्रिटिश क्राउन के अंदर में कार्यरत एक कंपनी बन गई। मतलब इसका पूरा जो नियंत्रण है वो अब प्राइवेट लोगों के हाथ में ना होकर के ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 1858 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महारानी विक्टोरिया इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया जो घोषणा पत्र को इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया, और इलाहाबाद में इसको किस व्यक्ति ने पढ़ा था, तो जिस गवर्नर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वही इलाहाबाद में कैनिंग ने इसको पढ़ करके सुनाया, ठीक है। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसी घोषणा पत्र में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसके अधीन होगी, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। मतलब कोई भी डिसीजन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिविजुअल डिसीजन नहीं कहा जाएगा, अब ये माना जाएगा कि वो ब्रिटिश क्राउन का डिसीजन है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के अधीन ला दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन।
ठीक है, ये 1858 की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा जब यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनके प्रशासन में भी या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, मैंने डिस्कस किया था कि 1773 में जो कानून लाया गया था उसी समय कुछ जो रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविज़न था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक समूह का गठन किया गया था जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिसमें कुछ लोग डायरेक्टर्स के तौर पे काम करते थे, इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर एक नए व्यक्ति को या एक नई संस्था को दे दी गई। इसका नाम था भारत परिषद, भारत परिषद, ठीक है। भारत परिषद नाम से एक समूह ब्रिटेन में कार्य करता था, वहाँ की संसद में कार्य करता था, और एक पद बनाया गया भारत सचिव, भारत सचिव, ठीक है। ये जो भारत सचिव था इसको हम कह सकते हैं कि ये टॉप मोस्ट अधिकारी था ब्रिटेन की संसद में भारत से संबंधित निर्णय लेने के लिए, ठीक है। भारत सचिव ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, 1947 तक ये भारत सचिव का पद बना रहेगा, और अंत में ये जो है पूरे शासन को भारतीय नेताओं को जब हस्तांतरित करते हैं तो इनके भी सिग्नेचर्स होंगे उसमें, ठीक है। तो भारत सचिव ये एक महत्वपूर्ण पद है जिसका सृजन किया गया 1857 की क्रांति के बाद में। अब यहीं पे एक और अधिनियम पारित होता है 1858 में, एक अधिनियम पारित होता है, इसको हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ने सन 1773 के बाद से हर 20 साल बाद मतलब अगला 20 साल कब आएगा 1793, फिर अगला 20 साल कब आएगा 1813, फिर अगला 20 साल कब आएगा 1833, फिर अगला 20 साल कब आएगा 1853। ये क्या करते थे, 1773 के बाद हर 20 साल में ये अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करते थे और एक नया कानून लेकर के आते थे जिसको कि एक्ट या अधिनियम कहा जाता था। जैसे कि सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के बारे में। उसके बाद में 1793 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1853 में एक चार्टर एक्ट आया, ठीक है, 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आया, 1853 में फिर से एक कानून आया। 1853 के बाद में अगला कानून इसके 20 साल बाद आना चाहिए था, ठीक है। अब 20 साल बाद कब होता, 1873 में, लेकिन 1873 से पहले ही 1857 में भारत में विद्रोह हो जाता है जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1873 तक वेट न करके इन्होंने सीधे ही 1858 में एक अधिनियम पारित कर दिया, और इसी अधिनियम या इसी घोषणा पत्र के द्वारा भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिकार जो है वो समाप्त करके और ब्रिटेन की क्राउन या महारानी के हाथों में शासन सौंप दिया गया, ठीक है। उसके बाद में यहीं पे 1860 के आसपास 1860 में भारत में सबसे पहला बजट पेश किया गया। हम इसको इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। भारत का पहला बजट जो कि ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया, ये पेश करने वाले मंत्री थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत के लिए पहला बजट पेश किया। इसके अलावा भारत में पहली कागजी मुद्रा का प्रचलन भी यहीं से शुरू हुआ, पेपर करेंसी, पहली कागजी मुद्रा, ठीक है। इसके पहले तक भारत में कॉइन्स का ही प्रचलन था,
पहली कागजी मुद्रा 1860 में प्रचलित हुई। ठीक है, इसके बाद में 1861 के आसपास अलग अलग एरिया में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए भी एक कानून बनाया गया। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो अलग अलग प्रोविंस थे, एक प्रोविंस था बॉम्बे या बम्बई, एक था आपका मद्रास और एक था बंगाल। ठीक है, इन सभी में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। इसको कहा जाता है हाई कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, 1861 में ये कानून बनाया गया बंगाल, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसको हाई कोर्ट एक्ट 1861 कहा जाता है। 1861 में ही भारत में भारतीय दंड संहिता की स्थापना की जाती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, जिसको हम आईपीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन से कृत्य के लिए, कौन से गुनाह के लिए, कौन से अपराध के लिए कौन सा सजा दिया जाएगा, वो सभी भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है। ठीक है, तो आईपीसी को स्थापित किया गया था 1861 में। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद में एक और व्यक्ति गवर्नर बनते हैं, इनका नाम है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। 1862 से लेकर के 63 तक शासन करते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी चीज़ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। बस सीक्वेंस के लिए याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के बाद में एक व्यक्ति है एल्गिन प्रथम, ये गवर्नर बनता है। ठीक है, एल्गिन प्रथम के बाद में एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर के 69 तक इनका शासन रहा, इनकी कार्यावधि रही। ठीक है, इनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, पर एक दो चीज़ है जो कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं, पर इसको प्रायोरिटी में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके समय में इन्होंने समुद्री टेलीग्राफ सेवा। आप जो भी पोस्ट करेंगे वो सब कुछ समुद्र मार्ग से होकर के विदेशों को जाएगा। ठीक है, यही था समुद्री टेलीग्राफ सेवा। इसके अलावा इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसका मतलब है किसी भी भारतीय राजा की रियासत में या फिर धर्म संबंधी मामलों में या किसी विश्वास के मामलों में अब ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, इसी को कहा गया है अहस्तक्षेप की नीति। किसी भी धार्मिक कुरीति के बारे में अब ये कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, यही है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है, और इसके समय में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग 1869 से लेकर के कह सकते हैं कि 70-71 तक एक अकाल पड़ा था भारत में, इसी समय एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज कैंप बेल। ठीक है, इसमें से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, तो जॉर्ज कैंप बेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का काम क्या होगा? इनका काम है ये देखना, ये बताना कि किस क्षेत्र में अकाल की इंटेंसिटी या प्रभाव कितना है और उनको किस तरीके के मदद की आवश्यकता है। ठीक है, तो अकाल आयोग का ये काम था। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर के 72 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे, और इनके समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं
उसमें से एक आपको याद होगा, ठीक है? याद कीजिएगा, हमने जनगणना के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है? भारत में जो सबसे पहली जनगणना है, भारत में फर्स्ट जनगणना किसने करवाया था या किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। ये जनगणना कब हुआ था? 1872 में। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में की गई थी, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। इन्हीं के समय में भारत में फाइनेंशियल कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन, सॉरी विकेंद्रीकरण, इसको क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत। मतलब कोई केंद्रीय संस्था निर्णय नहीं लेगी, बल्कि लोकल अथॉरिटीज को पावर मिला था उस एरिया में डेवलपमेंट के काम से संबंधित प्लान बनाने के लिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत, वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरुआत। इसके अलावा इन्हीं के ही समय में आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था, ठीक है? तो सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर के 1880 के आसपास चल रहा था, ठीक है? आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसके अलावा अच्छा, ये आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो इन्हीं के समय से स्टार्ट हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? ये शायद यहाँ पर डेट में थोड़ा सा मिस्टेक है, 18 ये युद्ध जो है वो 1870 के आसपास चल रहा था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870, ठीक है? इसके अलावा लॉर्ड मेयो के नाम पे एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जयपुर में मेयो कॉलेज। पूछा जाए कि मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो जयपुर में, ठीक है? ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी लॉर्ड मेयो से संबंधित। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनगणना, ये इकोनॉमी के हिसाब से भी पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आए अगले व्यक्ति, इनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से लेकर के 76 तक, ठीक। यहीं पे नॉर्थ ब्रुक के समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसमें दो तीन ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग कृषक विद्रोह की भी चर्चा करेंगे। वहीं पे एक विद्रोह का नाम मिलेगा हमको, कूका विद्रोह, ठीक है? कूका विद्रोह, ये कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। तो पूछा जाता है कूका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब में हुआ था। पंजाब में किसके शासनकाल में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के काल में, ठीक है? इसके अलावा नॉर्थ ब्रुक के ही समय में भारत में एक कॉलेज की स्थापना की गई है, इसको कहा जाता है मोहम्मदन या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है? इस कॉलेज की स्थापना का वर्ष अगर पूछा जाए तो 1875, और पूछा जाए कि इस कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खां, ठीक है? नॉर्थ ब्रुक के समय में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई है, इसका श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खां को। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, नॉर्थ ब्रुक के ही समय में ब्रिटेन के राजा, ठीक, इसको कहा जाता है इनको कहा जाता है
प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स इनका नाम था एडवर्ड सेवेंथ। एडवर्ड सेवेंथ प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत आए थे, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था किसके समय में? नॉर्थ बुक के समय में, ठीक। ये दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं नॉर्थ बुक के बारे में। अगले व्यक्ति हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक, 1876 से 1880 तक। इसके समय में भी भारत में एक अकाल पड़ा हुआ था और उस अकाल की अनदेखी करके इन्होंने क्या किया था, भारत में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, ठीक है। दिल्ली दरबार क्यों आयोजित किया गया था? मतलब दिल्ली दरबार का मतलब है कि किंग या क्वीन जब भारत आ रहे हैं तो उनकी उनके स्वागत के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन, इसी को कहा जा रहा है दिल्ली दरबार। लिटन के समय में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। दिल्ली दरबार का मतलब है राजा या रानी की स्वागत के लिए भारत में भव्य समारोह का आयोजन। 1877 में ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, ठीक है। इस समय भारत में कौन आ रही थी? तो इस समय भारत में महारानी विक्टोरिया का आगमन हो रहा था। महारानी विक्टोरिया भारत आने वाली थी, ठीक है। महारानी विक्टोरिया भारत आ रही थी, इसी वजह से भारत में जो राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में ही एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। जब भव्य आयोजन किया जाएगा तो जाहिर है वहाँ पे पैसे भी खर्च होंगे, और पैसे खर्च हो रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ शोषण किया जाएगा, और किसानों के साथ शोषण भी ऐसे समय में जब 1877 ये ऐसा समय है जब भारत में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो एक तरफ जैसे जहाँ भारत में भुखमरी की समस्या थी, अकाल की समस्या थी, अंग्रेज पूरा पैसा उड़ा रहे थे महारानी के स्वागत के लिए, ठीक। महारानी के स्वागत पे इन्होंने एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया हुआ था, और जब महारानी यहाँ पे आई तो उन्हें एक उपाधि दी गई, केसर ए हिंद। पूछा जाता है महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद उपाधि किस गवर्नर जनरल के समय में दिया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है। और इस पूरे आयोजन का गंभीर आलोचना हुआ था, मतलब लोग इस पूरे आयोजन को बाइकॉट कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ लोग भूख से पीड़ित थे और मर रहे थे, दूसरी तरफ रानी के स्वागत में इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा था, ठीक है। तो 1870 का दिल्ली दरबार याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1878 की एक घटना। 1878 इस समय भारत में प्रेस का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। भारतीय नेता जो थे वो अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स का खूब सहारा लेते थे, ठीक। और कोई भी ऐसा प्रेस जहाँ पे भारतीय भाषाओं में पेपर्स छपते हैं उन पे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक एक्ट पारित किया, इसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि कोई भी पेपर अगर किसी भारतीय भाषा में पारित किया जाता है, सॉरी भारतीय भाषा में प्रकाशित किया जाता है, उसको सबसे पहले ये क्या करेंगे, किसी अंग्रेज अधिकारी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि वो क्या छापना चाहते हैं, ठीक है। भारतीय भाषा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भारतीय भाषा में छपने वाले पेपर्स पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं में छपने वाले पेपर्स या मैगजीन्स या किसी भी तरीके के पुस्तक पर ये कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि उनमें अंग्रेज विरोधी बातें न लिखी जा सकें, ठीक। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से सबसे पहले एक पेपर है जिसको कि प्रतिबंधित किया गया था, ये था
ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा, या उनकी एक प्रेस थी, एक पेपर वो निकालते थे, इसका नाम था सोम प्रकाश। ये एक न्यूज़पेपर छापते थे, इसका नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर की ये न्यूज़पेपर थी, ठीक है। तो सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए ये क्या किए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नाम से एक एक्ट पारित कर दिए, जिसमें भारतीय भाषाओं पर भारतीय भाषा में छपने वाले किसी भी तरीके के पेपर या मैगजीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अगर वो पेपर इंग्लिश में छप रहा है तब तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज उन पर नियंत्रण लगा दिया गया, ठीक। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय भाषा में कुछ कंटेंट छापना चाहता है तो पहले उनको अंग्रेजों का परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं छाप सकते थे। यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे चल करके ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया हुआ है। इसके अलावा 1818 में ही भारत में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने एक और नियम कानून नियम पारित किया है, इसका नाम था भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत में अवैध रूप से शस्त्र नहीं रख सकता, उनको लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड लिटन के ही समय में इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया, भारत में अभी तक लॉर्ड लिटन के पहले जो गवर्नर्स आए उन्होंने एक प्रोविज़न कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में या केंद्रीय सेवाओं में भाग लेने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था उस समय, इसको कहते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष, ठीक है। लेकिन लॉर्ड लिटन ने क्या सोचा कि 21 वर्ष में यहाँ भारतीय जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज में शामिल हो जा रहे हैं, तो क्यों ना इसको कम करके क्या कर दिया जाए, 19 वर्ष। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए आयु को घटा करके 21 वर्ष से क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया था, ठीक है। किसके दिमाग की उपज थी ये, लॉर्ड लिटन के दिमाग की। इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ इन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी अपनाया जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है। ये फॉरवर्ड पॉलिसी किस पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए था, अफगानिस्तान के लिए। फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान पर नियंत्रण हेतु, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किससे संबंधित थी, लॉर्ड लिटन से संबंधित थी। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन, ठीक, लॉर्ड रिपन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लॉर्ड लिटन है, इसका ठीक अपोजिट लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने जितने भी उल्टे पुल्टे काम किए हैं इनको ठीक करने का काम करेंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड लिटन सारे जितने उटपटांग काम किया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया है, ICS में आयु कम कर दिया है, इन सभी को समाप्त करने का काम कौन करेंगे, लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल रहेगा 1880 से लेकर के 1884, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना रखते हैं, थैंक यू।